उत्तर प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने गुरुवार को शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने प्राणी उद्यान के जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर नजदीकी से उनका दीदार किया। इसके बाद उन्होंने गैंडा के बाड़े के पास पहुंचकर हर और गौरी को केला खिलाया तथा अपने हाथों से दुलार किया। उन्होंने प्राणी उद्यान में बनाए गए तालाब में मछली छोड़ा तथा पौधारोपण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया, जिसके संबंध में वन पर्यावरण राज्य मंत्री ने बताया कि चिड़ियाघर का काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर जल्द ही 2 सफेद टाइगर तमिलनाडु से मंगाया जाएगा, जिससे कि लोगों में चिड़ियाघर घूमने की ज्यादा दिलचस्पी बढ़े। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कराया जाएगा, जिससे कि यहाँ घूमने आए लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर DFO विकास यादव, प्राणी उद्यान के निदेशक डॉक्टर एच राजा मोहन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा, नहीं क्या है वहाँ पर भैया, आराम से हेलो हेलो बुलाना जरा दोनों बुलाओ बुलाओ उसको प्रदीप उधर जाओ प्रदीप कल छोड़ लगवा देते नेल नहीं मिला कल पता नहीं कब आए थे लड़ाई से बेहतर है कमांड पे है रुकिए भैया रुकिए भैया चले चले इधर आइएगा इधर आइएगा देखिए मंत्री अब छोड़िएगा नहीं ये कहाँ का मंगवाते हैं वाले पेशेंट
कुछ दिन इसको रोक देंगे पहले से आप तैयार रखते थोड़ा थोड़ वेट कर रही है ये पहले से तैयार थे सुबह से खाली पेट रखा गया है क्या मंत्री जी इधर आइए योगेश जी आइए मंत्री जी आप थे ये तो एक ईटिंग मशीन है खाली खाली एक खाली एक नहीं इसमें हरा घास है हार है सर वो गौरी है मेल फीमेल सर 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 एक बार खिला दीजिए सर को दीजिएगा कुछ दीजिए दीजिए दोनों एक साथ है ना डायरेक्टर साहब दिख रहे हैं थोड़ा सा सर आप इधर आप छोड़ दीजिए सर आइए पानी भैया कैमरा थोड़ा पीछे करिए भैया अरे क्या कहीं पे पाकड़ बर्गर नीम तीनों एक साथ भी लगे हुए हैं एक चलो यहाँ रहेगा बाकी जगह में उसमें छोटा सा कार का अलग उसमें चिड़ियाघर बहुत अच्छा है इतने कम समय में काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी सहूलियतें जो यहाँ आते हैं लोग बच्चे उनके लिए अभी और बढ़ाना है अभी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और यहाँ पर बहुत जल्दी ही दो सफ़ेद शेर एक महीने के अंदर मैं समझता हूँ महीने सवा महीने के अंदर आ जाएंगे ताकि यहाँ का और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों को और उसका बड़ा बड़ा सब तैयार है मैंने स्वयं जाके देखा और वहाँ पे जब दो शेर आ जाएंगे तो पास पास ही एक एक तरह का शेर एक बिल्कुल सफ़ेद शेर बच्चों को और जो हमारे एनिमल लवर्स हैं उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर हम लोग पौधारोपण भी और कराएंगे ताकि लोगों को साया मिले जो लोग हमारे टहलते हुए जा रहे हैं उनको थोड़ा साया मिलेगा तो एक सुकून महसूस होगा क्योंकि गर्मी बहुत है धूप बहुत है और इस गर्मी और धूप का इलाज ही है पेड़ लगाना जितना पेड़ लगेंगे
उतना ही एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, उतना ही टेम्परेचर कम होगा। तो पेड़ लगाना भी बहुत ज़रूरी। मैं आज यहाँ मैंने सभी लोगों से बात की और मैंने सभी से यही कहा कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, मतलब मानव जाति के लिए ज़रूरी है पेड़ लगाना। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वह पेड़ लगाने से ही कम होगा। और मैं चाहता हूँ हर परिवार का हर सदस्य पेड़ लगाए। बच्चों से पेड़ ज़रूर लगवाइए, उनकी बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे पेड़ ज़रूर लगाएं। पेड़ मानव सेवा की बहुत बड़ी सेवा है और पेड़ को सिर्फ लगाना ही नहीं है, पेड़ को सुरक्षित रखना उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो मैं चाहता हूँ जहाँ भी पेड़ लगाएं वो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पेड़ सुरक्षित हो, तार का बाड़ा हो, घर के अंदर हो या किसी पार्क में लगाएं। और जिन लोगों के घर में जगह है उनसे मैं कहूँगा फल का पेड़ ज़रूर लगाएं। अगर घर छोटा है तो आड़ू का पेड़ लगा लें, पपीते का पेड़ लगा लें, अनार का पेड़ लगा लें, नींबू का पेड़ लगा लें। उससे पेड़ भी रहेगा, हरियाली भी रहेगी और बच्चों को हमारे फल भी मिलेंगे। सहजन का पेड़ लगा लें तो इस तरह से बच्चों को पोषण भी मिलेगा और हरियाली भी रहेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, हर माने में अच्छा। कहाँ से मंगाया जा रहा है ये पेड़? जो हैं वाइट टाइगर्स की बात हमारी तमिलनाडु से। क्या कहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से यही कहूँगा कि महीना डेढ़ महीने के अंदर आपके यहाँ एक सफ़ेद शेर का जोड़ा जल्दी ही आएगा।